करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 1 मार्च 2024, महीने का फर्स्ट दिन फ्राइडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बर्मा। कल यूएस पीसीए डेटा था, कोर पीसीए डेटा, जिसके बाद क्या हुआ? आपका डॉलर इंडेक्स आफ्टर मूविंग एन इंट्राडे लो ऑफ 103.65 traded high of 104.21, finally closed at 104.12. That means dollar index lower level pe rejections hua. Hamara ye ek range tha. Kaun sa range? Aapka 22nd February ka low and 28th February ka high. Is range ke bahar nikalna hai price ko. Then and only then we can expect some sort of means directions. Agar ye niche ke taraf aata hai to room zyada hai, kyunki niche ke taraf supports thoda sa distance pe hai. Kal ke din ka jo activity ho, wo jo range humne discuss kiya, usi range ke andar mein close diya hua hai. So kuch concrete डॉलर इंडेक्स बेस्ड इंटरप्रिटेशंस एज ऑफ नाउ हमारे पास है नहीं। हमें इंतजार रहेगा इस रेंज से बाहर निकलने के लिए। जीबीपी डॉलर कल के दिन में एक नेगेटिव एक्टिविटी देखा गया। आफ्टर ट्रेडिंग एन इंट्राडे हाई ऑफ 1.2682, इट ट्रेडेड लो ऑफ 1.2612 एंड फाइनली क्लोज्ड देयर एट 1.2624। यहां पे जो आपका 28 फरवरी का लो था, ये थोड़ा सा मींस इसके लो के नीचे सेलिंग का एक बिहेवियर हम देख सकते हैं। कल के दिन में इसके लो के नीचे आया है। आज हमें थोड़ा देखना है क्या ये नीचे की तरफ कल के लो के नीचे सस्टेन करते हैं या नहीं। अगर सस्टेन करते हैं तो माइनर हल्का सा एक नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवे जीबीपी डॉलर जो है वो एक रेंज के अंदर में अटके हुए हैं, जो है आपका 1.25 ऑन द लोअर साइड एंड 1.2850 ऑन द हायर साइड। बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल द करेंसी पेयर्स इन सर्टेन रेंज बाउंड मूव। जीबीपी आईएनआर भी आपका 28 फरवरी के लो के नीचे क्लोज दिया हुआ है, बिकॉज ये यहाँ पे 104.80 एक सपोर्ट लेवल था। कल के दिन में उस सपोर्ट लेवल के नीचे चला गया है। हमें ये इंतजार था क्या ये 28 फरवरी के हाई के ऊपर सस्टेन करे, लेकिन सस्टेन किया नहीं है, रेदर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। अभी आज के दिन में क्या कल के लो के नीचे सस्टेन करते हैं तो एक छोटा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल जो है जीबीपी आईएनआर आपका 104 ऑन द लोअर साइड एंड 106.25 ऑन द हायर साइड, ये रेंज के अंदर में ये भी रेंज बाउंड मूव दे रहे हैं। यूरो डॉलर सेम का, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो 28 फरवरी का लो है उसके लो के नीचे गया नहीं है कल के दिन में। कल के दिन में ट्रेडेड लो ऑफ 101.0796, करेंटली इट इज एट 1.0813। अभी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन यानी तीन दिन का एक्टिविटी 27, 28 एंड 29, ये तीन दिन का एक्टिविटी को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं देन रियली द यूरो डॉलर इज गोइंग टू मूव ऑन द हायर साइड। इतना मेजर कुछ थ्रस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो रेंज बाउंड मूव से बाहर आने का प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए आपका 27 का जो हाई है आपका 1.0866, इसके हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अभी आते हैं आपका यूरो आईएनआर सेम एनालिसिस। ये 28 फरवरी का जो लो है आपका 89.53 एंड कल का जो है 89.50, हल्का सा लो नीचे था। Currently it is at 89.6. अभी हमें देखना क्या ये कल के लो के नीचे सस्टेन करने के लिए अलाउ करते हैं। इन सच ए केस एक हल्का सा सेलिंग मे बी टुवर्ड्स 89, 89.25 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द वे वी एनालाइज्ड यहाँ पे तीन दिन का जो हाई है, तीन दिन बोले थे 27, 28 एंड 29,
उसका जो हाई है आपका 80 90.11, उसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं इन सच केस यूरो आइनर एक हल्का सा अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन में कल जो इंट्राडे लो ट्रेड किया वो था आपका 149.20, लेकिन प्राइस रिसेक्शंस एट द लोअर एंड फाइनली क्लोज्ड एट 149.97, करेंटली इट इज एट 150.31। यहाँ पे वही है कि आपका इस जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग। अब बोलेगा अरे आशीष इतना बड़ा रेड कैंडल है। यस बड़ा रेड कैंडल है, लेकिन प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड जो ऑलमोस्ट 50% पे जाके क्लोज दिया हुआ है, सो इट बिकम्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल। अभी जब तक इसके लो के नीचे क्लोज नहीं देते हैं तब तक प्राइस न्यूट्रल टू साइडवाइज एंड पॉसिबली इट विल ट्राई टू ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे कल के दिन में क्या हुआ, आपका बीओजे ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट के बाद हल्का सा सेलिंग देखा गया, लेकिन यूएस मार्केट में वो सस्टेन कर नहीं पाया। ये जो है वर्बल इंटरवेंशन से, जब तक बीओजे का एक्चुअल इंटरवेंशन नहीं आते तब तक ऐसा ही थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर करता रहेगा। येन आयनर आपका है कल के दिन में जो हाई मारा है वो है आपका 55.52, वही प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड, सो दिस बिकम्स ए न्यूट्रल कैंडल, ऑल्दो ग्रीन इन कलर बट न्यूट्रल इन नेचर। सो यहाँ पे बाइंग बिल्डअप करने के लिए हमें डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करना है जो अभी तक हुआ नहीं, हमें इंतजार है। डॉलर कैंडल 1.3571, ये जो रेजिस्टेंस जोन का हायर एंड पे आके रुका हुआ है, कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे कल का जो एक्टिविटी है, पहला तो एक डोजी कैंडल है, दूसरा है आपका 28 फरवरी का जो मदर कैंडल है उसके अंदर में इनसाइड बार है, यानी प्राइस काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसे ही आपका 29 फरवरी का हाई एंड 28 फरवरी का हाई को तोड़ेगा तो एक अपवर्ड थ्रस्ट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। $80 भी कल के दिन में एक डोजी कैंडल स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है जो है इनसाइड बार टू द प्रीवियस कैंडल, दैट इज द 28 फरवरी का कैंडल। दैट बीइंग द केस ऑल्सो वन मोर थिंग दैट हमें जो देखना है वो है रेंज शिफ्ट। रेंज शिफ्ट का कंफर्मेशन हुआ नहीं है, क्या है आपका RSI ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40 आफ्टर ट्रेडिंग बिलो 40। सो यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसका कंफर्मेशन हमें चाहिए। कंफर्मेशन के लिए आपका 28 फरवरी के हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा प्राइस एक्शंस। ये हो गया ऑसी डॉलर। CNH करेंटली 7.2045, ये एक रेंज के अंदर में अटक गए हैं। ये आपका 7.2325 ऑन द हायर साइड एंड 7.17 ऑन द लोअर साइड इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो एक बार रेंज ब्रेकआउट करने देते हैं उसके बाद इसको फर्दर देखेंगे। ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट जो है करेंटली ट्रेडिंग एट 81.99। यहाँ पे आपका अगर वीकली चार्ट में इसका अच्छा बढ़िया सा एक वो देखिएगा, यहाँ पे आपका ये जो जोन बना हुआ है ऊपर की तरफ 84.25 एंड नीचे की तरफ 76.25, जब तक इस जोन के बाहर नहीं निकलता आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड तब तक प्राइस कंसोलिडेट करेगा। चौकी वॉलेटाइल बिहेवियर करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 4.26%, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस जोन के अपर जोन पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस से एक बार अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते तो ऊपर की तरफ एक अप मूव देख सकते हैं। इस कंसोलिडेशन का लो को अगर सस्टेन मींस ब्रेक डाउन करते हैं तो एक मॉडरेटली बियरिश मूवमेंट में भी टुवर्ड्स 4.10 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर यूएस 2 ईयर ट्रेजरी। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में कल के दिन में ये ऊपर सस्टेन
करने का प्रयास किया था, लेकिन ऊपर बोले तो 4.70 इसको इसके वहां पे सस्टेन कर नहीं पाए, रदर क्लोज्ड एट द ऑलमोस्ट एट द लो ऑफ द कैंडल, व्हाट इट मींस इट इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल। दैट बीइंग द केस, यहां पे कल के लो के नीचे फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डॉलर रुपए। डॉलर रुपए में बेसिकली चर्म खो रहे हैं, जब तक ये आपका रेंज के बाहर ब्रेकआउट नहीं करते हैं, वॉलिटिलिटी नहीं आते, ट्रेंडेड मूव नहीं आते, आपका ट्रेडर्स रुपी ट्रेडर्स आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन यही है कि रेंज स्क्वीज कर रहे हैं, हमें इंतजार रहेगा कि कोई भी प्राइस एक्शंस फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड एक रेंज में रह नहीं सकता है अंटिल अनलेस इट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज ए पेक्ट करेंसी। सो यहाँ पे इसको रेंज के बाहर निकलना तो है, लेकिन क्वेश्चन मार्क इस फर्स्ट दो क्वेश्चन है, एक है कब इस रेंज से बाहर निकलेगा एंड दूसरा वाला है कौन सा डायरेक्शन में निकलेगा, हमें उसी का इंतजार। नीचे की तरफ एज ऑफ नाउ 82.80 इज वेल सपोर्ट, ऊपर की तरफ हाइज आर कमिंग डाउन, दैट मींस यहाँ पे अच्छा खासा इनफ्लोज आर हेड गेटिंग सब मींस अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इनफ्लोज आर कमिंग एंड हिटिंग द मार्केट। सो हमें और थोड़ा इंतजार करना, फ्रस्ट्रेट होने का कुछ नहीं है, ऐसा फेजेस आते हैं जहां पे रूपी मीन्स नॉट एग्जैक्टली द रूपी एनी करेंसी और नॉट ओनली द करेंसी एनी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड होते हैं, चाहे वो इक्विटी रिलेटेड हो, रेट्स रिलेटेड हो, कॉमोडिटी रिलेटेड हो या करेंसी रिलेटेड हो, जो भी ऐसा कभी कभी रेंज में अटक जाते हैं, प्राइस मार्केट नीडेड रिक्वायर्स सर्टेन क्लैरिटी। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आते हैं तो हमें और थोड़ा अपने फ्रस्ट्रेशंस लेवल को रेस्ट्रेन करना पड़ेगा। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए मैं आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।